सत श्री अकाल। देश विदेश के सूबे सरोकार ने जुड़िया तमाम खबर लेके मैं रमन बाजवा हाजिर हाँ। बुलेटिन का आगाज करते हूं तक दिया खास खबर। भाजपा में शामिल हुई किरण बेदी, राजनीति में अजमाएगी अपना फैसला। मालवा कॉलेज मंदौली के गोल्डन जुबली समागम मौके मुख्यमंत्री प्रताप सिंह बादल ने की शिरकत, कहा पंजाब में नशियां की तस्करी से सख्ती ना चुके जा रहे हैं कदम। पीआरटीसी के नवीनीकरण लिए लगाई जाएगी लोक अदालत, नवे मुलाजमान की भी होगी भर्ती। दिल्ली कमेटी के उपराले सत्कार, चढ़दी कला टाइम टीवी ते एक होर श्री सहज पाठ संथिया की शुरुआत, नौजवानों वालों मिल रहा भरवा हुंगारा। तो बुलेटिन का आगाज करते हैं, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी हुण अपनी काबिलियत अजमाउण लई राजनीति दे खेत्र विच उतरी है। किरण बेदी भारतीय जनता पार्टी विच शामिल हो चुकी है। इसका ऐलान भाजपा की चोण कमेटी की बैठक विच शामिल होकर खुद किरण बेदी ने किया। भाजपा ने किरण बेदी नूं दिल्ली विधानसभा चोणां च टिकट देने का फैसला किया है, पर फिलहाल यह तय नहीं किया गया कि किरण बेदी किस सीट तो चोण लड़ेगी। भाजपा च शामिल होने तो बाद किरण बेदी ने कहा कि वह नरेंद्र मोदी तो प्रभावित होकर राजनीति में आए ने। किरण बेदी मुताबिक उन्होंने 40 साल के तजर्बे नाल वह दिल्ली नूं चंगा प्रशासन देने की इच्छा रखती है। मेरे पास 40 साल का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है, 40 साल का दिल्ली पुलिस में, मिजोरम में, गोवा में, चंडीगढ़ में, दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर्स में, तिहाड़ जेल में, और इसमें हजारों लोगों को ट्रेन किया, उनको नेतृत्व दिया, उनसे सीखा, उनको सिखाया, बहुत कुछ सीखा। मैंने हर सिपाही से सीखा, मैंने हर दिल्ली पुलिस के हर सिपाही से सीखा, उसने मुझे सिखाया। इस प्रकार ये चला। मैं आपको यही कह रही हूँ कि अब मैं अपना 40 साल का एक्सपीरियंस दिल्ली को भेंट करने आई हूँ, अपने देश को भेंट करने आई हूँ, जो मेरे पास है उसको मैं समर्पित करने आई हूँ। मालवा कॉलेज बौनली विखे गोल्डन जुबली समागम का आयोजन किया गया, जिस विच पंजाब दे मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल मुख मेहमान के तौर पर पहुंचे। इस मौके विद्यार्थियों वालों रंगारंग प्रोग्राम भी पेश किया गया। कॉलेज प्रबंधकों वालों आई शख्सियतों को यादगारी चिन्ह भेंट करके सम्मानित किया गया। इस मौके मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने सिक्ख्या के खेत्र में संस्था वालों किए जा रहे कार्यों को शलाघायोग दसिया। ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਸਕਿੱਲ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮੈਡੀਕਲ। ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਕਿੱਲ ਸੈਂਟਰ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਕਿੱਲ ਸੈਂਟਰ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵੀ ਸਕਿੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ MOU ਵੀ ਹੋਇਆ। ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ कुछ स्किल सेंटर है जिन्हों का इंडस्ट्री ना तक इंडस्ट्री ना साड़ी मीटिंग हुई है, लुधियाने भी खोल रहे हैं, जलंधर भी खोल रहे हैं, अमृतसर। उधर नशियां दे मामले ते प्रकाश सिंह बादल ने विरोधियों ते पलटवार करदिआं कहा कि पंजाब विच नशे दी सप्लाई होरना राज्यां तों कीती जा रही है, पंजाब विच नशे दी सप्लाई रोकण लई सख्ती भरे कदम चुके जा रहे ने। पंजाब इह जी स्टेट है जिहदे विच कोई नशा नहीं हुंदा, ओह बनता है, वह आता है अफगानिस्तान तो, पाकिस्तान के थ्रू सारी दुनिया में जाता है, ये बॉर्डर तो जाता है, साढ़े भी इस बॉर्डर तो भी भेजते हैं, राजस्थान तो भेजते हैं, जे एंड के भेजते, साढ़े तो नशा नहीं होता भी असं भेज रहे हैं कोई। अच्छा बॉर्डर से जो रोकना है तो BSF ने रोकना है, ये क्योंकि पंजाब साढ़े भेज रहा, तुम उन्होंने बयान दे देना, तुम ला देना, यही ताइए साड़ा बदनाम हो ना पंजाब। पंजाब नूं नशियां दे मामले ते बदनाम किया जा रहा है, बल्कि पाकिस्तान तो भारत दे वख-वख राज्यां विच नशियां दी सप्लाई नूं रोकथाम लई कई कदम चुके जा रहे ने। इन्हां विचारां दा प्रगटावा पंजाब दे उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने पटियाला विच इक प्रेस कॉन्फ्रेंस करदिआं कीता। पत्रकारां नाल गल्लबात करदिआं उन्हां कहा कि पंजाब नूं नशियां प्रति जागरूक करन लई सरकार वल्लों जागरूकता मुहिम चलाई जा रही है। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਐਕਚੁਅਲ ਫੈਕਟਸ ਕੀ, ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ, ਅਸਲੀਅਤ ਆਈ ਓਪਨਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸੀ ਕਿ ਕੀ ਐਕਚੁਅਲ ਫੈਕਟਸ ਹੈ, ਐਂਡ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਆਏ ਆ, ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਸੋ ਫਰੋਮ ਦੇਅਰ ਇਟ ਫਿਲਟਰ ਡਾਊਨ, ਸੋ ਦਿਸ ਵਿਲ ਬੀ
दिस इज स्टार्टिंग ऑफ अ न्यू चैप्टर एंड आई विल बी विजिटिंग एवरी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस एंड शेयर द एक्चुअल परसेप्शन व्हाट इज एक्चुअल रियलिटी ऑफ पंजाब आर ट्रांजिट पॉइंट है वी आर ट्रांजिट स्टेशन सारा पाकिस्तान तो आता है सारा हिंदुस्तान जाना सी कोने कोने जाना सी आप फड़ के वी आर डूइंग वी आर स्टॉपिंग वी फाइटिंग अ नेशनल वॉर आर रॉन्ग है कोई स्टडी नहीं आज डॉक्टर साहब सारे आए एक्सपर्ट आए थे दे हैव सेड देयर इज नो स्टडी देयर इज नो सर्वे विच सेज 70% ऑफ द यूथ आर दिसिंग आई ने झूठ बनाया आ कोई ड्रग एडिक्ट्स की सर्वे सी थोड़ा सरदार का जो ड्रग एडिक्ट उन्होंने सर्वे किया एक असी 181 लॉन्च कर जिते जो भी कोई ड्रग्स की इन्फॉर्मेशन दूगा 181 ते ये कोई सप्लायर है ते इमीडिएटली इफ इज फ्रॉम आवर टीम विल गेट इनटू एक्शन जे सही हुई इन्फॉर्मेशन ते ही विल गेट 10,000 रुपीस हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रामविलास शर्मा ने 1 जनवरी तो 15 फरवरी तक फरीदाबाद में आयोजित होने वाले 29वें सूरज कुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेले मौके एक पोस्टर जारी किया इस मौके राजमंत्री करण देव कंबोज सहित अनेक प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे इस अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेले विच बड़े ही सुंदर अते आकर्षक ढंग नाल डिजाइन किए गए टेबल कैलेंडर विच मेले दे खूबसूरत स्नैपशॉट्स ने मेले दे पोस्टर थीम राज छत्तीसगढ़ अते भागीदार राष्ट्र लेबनान दे वख-वख रंगां नूं पेश करन दे नाल भारतीय संस्कृति नूं उजागर करदा है खुराक अते सिविल सप्लाई ते खपतकार बारे मंत्री आदेश प्रताप सिंह कैरो पंजाब इंडियन ऑयल इंडस्ट्री वलों 31 जनवरी तक मनाए जाने वाले तेल अते गैस बचाओ पंदरवाड़े का उद्घाटन करने उपरंत नाइपर के ऑडिटोरियम विच आयोजित राज पदरी समागम विच शिरकत करन पहुंचे इस मौके उन्होंने पत्रकारों नाल गलबात करदे कहा कि पेट्रोलियम पदार्थों की दुर्वरतों नूं रोकण लई लोकां नूं हेठले पद्धर तक जागरूक करन दी लोड़ है इंडस्ट्री वालों किया गया जी जिस इंडियन ऑयल भारत पेट्रोलियम हिंदुस्तान पेट्रोलियम सारे ने किया 16 तरीक तो लैके 31 तरीक तीन कॉन्जरवेशन ऑफ फ्यूल प्रति वो वास्ते भी असं सारे इतने इकट्ठे हुए हैं प्लेज लेती है कि अच्छे जिते इतने भी कुछ जावे कोशिश करा हरेक अवेयर करिए हरेक जागृत करिए कि फ्यूल को कंजर्व करना पेट्रोलियम को कंजर्व करना बहुत जरूरी है एनवायरमेंट वास्ते भी बहुत जरूरी पीआरटीसी दीआं बसां नूं ऑन रूट चलाउण लई मुहिम चलाई गई है पीआरटीसी दे नवनियुक्त एमडी एमएस नारंग ने दस्सिया कि पीआरटीसी दे मुलाजमां दीआं मंगां नूं हल करन ते पीआरटीसी दी बेहतरी लई लोक अदालत लगाउण दा फैसला कीता गया है इस नाल नवे मुलाजम भी भर्ती कीते जाणगे उन्हां उम्मीद जताई कि इस सहूलत नाल मुलाजमां दीआं मंगां जल्द पूरियां होणगीआं निपटारा किया जाना चाहिए पर पिछले 7-8-10 महीने तो पेंडिंग चल रही दूजे पास काफी सारिया बसा खड़िया फॉर शॉर्टेज ऑफ स्टाफ यही स्टाफ है जो काम आ सकता है इसे पीआरटीसी की बेहतरी वास्ते पीआरटीसी दीयां बसां ऑन रूट लाण वास्ते फटाफट ते लोक अदालत लाण दा फैसला कीता गया फिरोजपुर पुलिस ने वाहन चोरी करने वाले एक अंतरराजी गिरोह के 5 मैंबरां नूं गिरफ्तार किया है पुलिस नूं इन्हां कोलों भारी मात्रा विच चोरी किए वाहन बरामद होए ने दरअसल एक गिरोह वख-वख थावां तों वाहन चोरी करके इन्हां दे नकली दस्तावेज बना के अगे वेच दिंदा सी पुलिस वल्लों होर भी पुछगिछ जारी है खराब पहले ही 25 के करीब मुकदमे दर्ज ने जेल च भी रह चुके ने और हुण जेल चो बाहर आने तो बाद दोबारा इन्होंने अपना गैंग इकट्ठा करके ईवन NDPS के कुछ मुलजम जो जेल च उन्होंने नाल मिले से उन्होंने भी नाल रला के एक कार्रवाई को अंजाम देना शुरू किया इन्हों को अजे होर पुछगिछ जारी है कुछ होर भी गड्डिया साड़िया अजे बरामद करा रहा ने वो भी करा के जल्दी पुछगिछ तो बाद अज इन्हों को ट्रैक्टर महिंद्रा गड्डिया मोटरसाइकिल स्कूटर और कंप्यूटर बाकी दस्तावेज बनाने वाला समान चढ़दी कला टाइम टीवी वालों शो
जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दी संथ्या आरंभी गई है उस प्रति नौजवान लड़के लड़कियां नूं शाहिद करन लई पटियाला विच एक विशेष प्रोग्राम उलीकिया गया। इस मौके चढ़दी कला टाइम टीवी दे चेयरमैन जगजीत सिंह दर्दी नौजवान लड़के लड़कियां दे रूबरू होए। सरदार दर्दी ने नौजवानां नूं सहज पाठ प्रति जागरूक किया ते रोजाना सहज पाठ करन लई प्रेरिया तां जो सिक्खी सरूप तो खुंजी नौजवान पीढ़ी गुरु साहिब दे दर्साए मार्ग ते चल सके। इस मौके आए हुए नौजवान लड़के लड़कियां ने सहज पाठ दी महत्ता नूं हर आम ते खास तक पहुंचाउण दा प्रण लिया। इस मौके नौजवानों विच पारी उत्साह वेखण नूं मिलिया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पवित्र बाणी दे सहज पाठ दी संथ्या जो नवें साल वाले दिन चढ़दी कला टाइम टीवी उत्ते शुरू होई सी अते कल माघी दे पवित्र दिन गुरुद्वारा बंगला साहिब तों इह दूजा पाठ शुरू कीता गया। इस महान प्रोजैक्ट की सेवा करन लई समुची मनुखता नूं सदया देश लई तुसीं अज पंजाब भर चों इत्थे आए हो। मैं तुहाडा वैलकम करदा हाँ अते आस करदा हाँ कि तुसीं सोशल मीडिया दे राहीं इह जो मैसेज है गुरबाणी का पाठ सुनन दा और इसदी संपालसर सेवा करन दा खास करके हर गुरु नानक देव नाम लेवा जो संसार के किसी भी हिस्से वसदा है किसी भी देश विच किसी भी शहर विच पूरी दुनिया के चढ़दी कला टाइम टीवी उत्ते ये लोग पाठ नूं सुन सकते हैं और सिख इतिहास में यह पहली बारी होया है कि गुरबाणी का श्री गुरु ग्रंथ साहिब के संपूर्ण जो सहज पाठ हैं वो किसी टीवी चैनल उत्ते हो रहे हैं। तो मैं सब तो पहला तुहानू मुबारकबाद दिंदा हाँ कि तुसी सेवा करन लई चढ़दी कला टाइम टीवी के स्टूडियो में आए हो। सारे पंजाब के वख वख शहरां चों जितने भी लड़कियां और लड़के आए हैं वो चंगी किस्मत वाले हैं कि उन्होंने इन्नी वड्डी सेवा करन दा सुभाग प्राप्त होया है। तुसी SMS राही वट्सएप राही या ट्विटर के उत्ते पा के या फेसबुक के उत्ते या यूट्यूब के उत्ते पा के या टैलीफोन राही जिथे जिथे भी ये मैसेज पहुँचा सकते हो ये संसार के कोने कोने पहुँचाने लई यतन शुरू करो। असी 500 के करीब नौजवानों ये अपरचुनिटी दे रहे हाँ कि वह चढ़दी कला टाइम टीवी के नाल जुड़ के इसकी स्पॉन्सर सेवा लैन अते सोशल मीडिया के राही ये वध तो वध लोगों तक मैसेज पहुँचाने की कोशिश। बंदी सिखां दी रिहाई लई पिछले दो महीनियां तो भुख हड़ताल ते बैठे भाई गुरबख्श सिंह खालसा दी भुख हड़ताल खत्म हो गई है। इस मौके जथेदार दर्शन सिंह समरदीप सिंह सनी कुलवंत सिंह जसबीर सिंह मैंबर DSGSM सरदार बचिंदर सिंह सुखदेव सिंह रणजीत सिंह जसपाल सिंह SP अंबाला की मौजूदगी विच भाई गुरबख्श सिंह खालसा दी भुख हड़ताल कल शाम खत्म करवाई गई। गुरबख्श सिंह अपनी मर्जी से अपने परिवार के कहने के बाद अस्पताल एडवांस मेडिकल चेकअप के लिए आए थे। यहाँ चिकित्सा के बाद उन्होंने जब डॉक्टर्स ने पाया कि वो अब ठीक हैं उन्होंने अपना फास्ट वगैरह तोड़ दिया और अपनी मर्जी से अपने गांव वापस चले। दुनिया भर के मुल्कों वालों अतवाद विरुद्ध इकट्ठे होकर लड़न के ऐलाना अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी द्वारा पाकिस्तान को अतवाद विरुद्ध सख्त कदम चुकन के बयान का असर पाकिस्तान के हुंदा साफ नजर आने लगा है। गुआंढी मुल्क ने 12 कट्टरपंथी संगठनों से पाबंदी लगाने का फैसला किया है। इन्ह संगठनों च मुंबई हमले लई जिम्मेवार हाफिज सईद का अतवादी संगठन जमात उद दावा ते हक्कानी नैटवर्क जिहे अतवादी संगठन भी शामिल है। जानकार इस फैसले नूं पाकिस्तान की रक्षा नीति च वड्डे बदलाव वजों देख रहे हैं। पंजाब राज बिजली बोर्ड के 66 KV स्टेशन कलोनी विच चोरी अते लुड़दियां वारदातां कारण लोग परेशान ने। कलोनी विच रहण वाले लोगों का कहना है कि इत्थे उन्हां नूं कोई सुरक्षा पक्षों कोई इंतजाम नहीं किया गया। प्रशासन नूं कई बार शिकायत करन दे बावजूद भी उन्हां दी कोई सुनवाई नहीं हो रही। आए
ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕਾਇ ਪੱਤਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਰਾਤ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਵਾਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਬਾਹਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਨੇ SDO ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਆਦਿ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਹੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਜਵਾਨੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਗੇਟ 'ਤੇ ਗੇਟਮੈਨ ਆ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ RC ਅਲੱਗ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਕੂਟਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਕ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਭੰਨ ਕੇ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਰ ਪਰਸ ਵੀ ਚੱਕੇ ਨੇ ਕਈ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈ ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਮਾਏਗੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਮਾਲਵਾ ਕਾਲਜ ਮੌਲੀ ਦੇ ਗੋਲਡਨ ਜੁਬਲੀ ਸਮਾਗਮ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਦਮ PRTC ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਸਦਕਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ TV ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ੍ਰੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਸੰਥਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪਰਵਾਹ ਹੁੰਗਾਰਾ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਚ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਧੰਨਵਾਦ